अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। 1 kg बीफ लिया है, 1 बड़ी प्याज ली है, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड की हैं, 8 से 9 लहसुन के जवे हैं, 2 अदरक के टुकड़े हैं और पुदीना हरा धनिया ऐड किया है। पुदीना 2 टेबल स्पून है, हरा धनिया ज़्यादा है 3 to 4 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया है भुना हुआ और कुटा हुआ, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है भुना हुआ और कुटा हुआ। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। मिक्स होने के बाद मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी। बारीक बारीक पीसना है और ये पीस चुका है। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। 2 घंटे बाद बनाना शुरू करते हैं और ये बन रहे हैं। अगर आप लोगों के टूटें या नहीं बने तो आप लोग उसमें बेसन ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और ये रेडी है। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे और लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप लोग सीखों पे भी रेडी कर सकते हैं। मैंने फ्राई किया है और साइड चेंज करते रहना है चारों तरफ से ताकि ये गल जाए। एक क्लिप इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे बने थे, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। चटनी भी इसके साथ लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी थी। डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी और ये रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।